कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रातः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि के पहली एक चौथाई अवधि है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातः काल होता है। एकादशी व्रत का पारण, एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं जो कि द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन यदि मनुष्य नहीं करते तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को यह जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करने का विधान है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है और उनकी पूजा में यदि तुलसी ना हो तो वह पूजा या भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले योनि की मुक्ति हो जाती है, यानी कि रेंगने वाली योनि में जन्म नहीं पाता है। और लेकिन द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। सेम को कफ और पित्त नाशक माना गया है और व्रत पारण के लिहाज से यह उत्तम माना गया है। ऐसे में सेम धार्मिक और स्वास्थ्य के हिसाब से बेहतर पारण भोज्य माना जाता है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पारण करते समय कुछ चीज़ों का प्रयोग भोजन में भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैंगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है। बैंगन पित्त दोष बढ़ाता है और उत्तेजना वर्धक होता है। वहीं मसूर की दाल को अशुद्ध माना गया है। मूली की तासीर ठंडी होती है, इसलिए यह व्रत के ठीक बाद सेहत के लिए सही नहीं होती। लहसुन प्याज तामसिक भोजन होता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित है। माना जाता है कि इससे खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना आती है। इस बार कामदा एकादशी का पारणा आपको 20 अप्रैल 2024 को सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में कर लेना चाहिए। यह उत्तम मुहूर्त है और यह शुभ मुहूर्त है। तुलसी पत्र से आप कामदा एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप एकादशी के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, फलाहार करवाना चाहते हैं, व्रत का पारणा के निमित्त कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके, नगद राशि भेज करके एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।